अशदु अशरु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु अशरु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु आई बेयर विटनेस कैन इट बी आई बेयर विटनेस आई बेयर विटनेस दैट दैट देयर इज नो गॉड नो गॉड बट अल्लाह बट अल्लाह एंड एंड प्रॉफिट मुहम्मद Prophet Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is the servant and messenger of Allah, MashaAllah, you're a Muslim brother. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं काफ़ी अरसा पहले मुसलमान हो जाता मगर मेरे जहन में इस्लाम को लेकर कई उलझने हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा इस्लाम कबूल करने से कतराता था, क्योंकि मैंने कई मुसलमानों को देखा, उनको जानता हूँ, मुसलमानों में उठता बैठता भी हूँ और इस्लाम को कुछ हद तक जानता भी हूँ। मैं इन सब लोगों को सच्चा मुसलमान नहीं समझता क्योंकि हर किसी में झोल होता है। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देते हैं तो मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूँगा। नाज़रीन, ये चैलेंज डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को प्रेम मिश्रा नामी एक हिंदू नौजवान ने दिया था। उसने कहा कि मैं अभी तो एक गैर मुस्लिम हूँ मगर मेरे दिल में इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश है। उलझन ये है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि एक सच्चा मुसलमान कौन होता है और एक सच्चा मुसलमान कैसे बना जा सकता है। माय नेम इज प्रेम, फुल नेम इज प्रेम मिश्रा एंड आई एम अ नॉन मुस्लिम एंड माय क्वेश्चन विद यू सर, एक्चुअली आई वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम। It's my own questions. It's not in love or something. It's my own questions. It's by professionally. I want to accept the Islam, but become a true means like how to what's a true Muslim guys or something. So that's why I just want to know that. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने प्रेम मिश्रा को पहले तो बहुत मुबारकबाद दी और फिर इसका चैलेंज कबूल किया और कहा कि भाई अब तो यहाँ से जाओगे तो मुसलमान होकर ही जाओगे। एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। मुसलमान होने का मतलब है कि अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक गुजारना। जो शख्स ऐसा करता है वो मुसलमान कहलाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी मुसलमान कहलाएंगे और इसका तरीका ये है कि आपको पहले तो ये यकीन करना है कि खुदा सिर्फ एक है, इसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। फिर आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का दिल से ईमान लाना है। और फिर डॉक्टर साहब ने कुरान पाक को हाथ में थामा और कहा कि ये किताब इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है, ये हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका है, आप इस किताब को पढ़ें और इसको अपनी जिंदगी पर लागू करें जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, इसकी पैरवी करें और इन चीजों से दूर रहें जिनसे मना फरमाया गया, तो आप एक सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू एग्री देयर इज वन गॉड एंड देयर इज नो वन वर्थी ऑफ वर्शिप बिसाइड्स अल्लाह, देन यू हैव टू बिलीव प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर, एंड देन इफ यू रीड द कुरान एज आई मेंशन माय टॉक, इट इज द लास्ट एंड फाइनल इंस्ट्रक्शन मैनुअल for the human beings. So if you read the Quran and implement on the Quran and follow the guidance Allah has given you and abstain from thing which is prohibited, then you become a true practicing Muslim. यहाँ पर प्रेम मिश्रा को इत्मीनान तो हो गया, वो भी न सिर्फ एक मुसलमान बल्कि एक सच्चा मुसलमान बन सकता है, मगर एक नई उलझन ने उसके जहन पर कब्जा जमा लिया। शायद शैतान ही था जो बार बार वसवसों में डाल रहा था, इसकी बुराई के रास्ते से हटकर कोई सीधा रास्ते पर न चल पड़े, इस रास्ते पर जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। बहरहाल प्रेम ने पूछा कि मैं जब इस्लाम कबूल कर लूंगा तो मुझे अपनी पूरी की पूरी शनाख्त को बदलना पड़ेगा, क्या ऐसा करना जरूरी होगा? My name? Is it compulsory is asking to change my name? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने प्रेम को तसल्ली दिलाई कि आपका नाम बहुत ही प्यारा है, इस नाम में मोहब्बत है, मुझे तो ये नाम बहुत ही अच्छा लगा, आपको मुसलमान होने के बाद अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम बदलें, अगर आप अपना नाम नहीं बदलना चाहते तो प्रेम ही रखें, क्योंकि मुसलमान नाम से नहीं बल्कि आमाल से पहचाना जाता है। मेरा नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो या ज़ाकिर हो, ये तमाम नाम मुसलमान हैं, लेकिन अगर मेरे आमाल ही मुसलमानों वाले नहीं है तो कैसे हो सकता है कि मैं एक मुसलमान कहलाऊँ? मैं नाम से तो बेशक मुसलमान ही जाना जाऊँगा मगर आमाल के हिसाब से तो मैं मुसलमान नहीं। किसी भी मुसलमान होने वाले शख्स के लिए नाम बदलना जरूरी नहीं, हाँ तब नाम बदलना जरूरी है कि आपके नाम में शिर्क का शायबा भी आता हो, आपके नाम में बुतपरस्त या खुदा पर यकीन न रखने वाले शख्स का तासुर न जाता, बाकी आप जो भी नाम रखें वो दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आपको अपने मुसलमान होने पर फख्र है तो मेरी नसीहत है कि आप अपना नाम भी इस्लामी रखें ताकि लोग आपको पहचान सकें। जैसे कि आप मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल करते हैं तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, आप अपनी टेबल या अपने कमरे में नेम प्लेट पर डॉक्टर लिखवाते हैं जिससे लोगों को पता चलेगा कि आप डॉक्टर हैं। ऐसे नाम बदलना जरूरी नहीं मगर आप बदल लें तो लोग आपके नाम से ही जान सकेंगे कि आप मुसलमान हो चुके हैं। एनी आइडल वर्शिप एटसेट्रा, इट्स परफेक्टली फाइन।
अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद योर ओल्ड नेम और यू कैन अडॉप्ट अ न्यू नेम. बट इफ यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम, आई वुड एडवाइज दैट यू अडॉप्ट अ मुस्लिम नेम सो पीपल विल रिकॉग्नाइज यू. लाइक हाउ इफ यू बिकम अ डॉक्टर यू पुट अ क्रॉस साइन टू टेल पीपल यू नो यू आर अ डॉक्टर. सो सिमिलरली इट्स नॉट कंपल्सरी यू शुड चेंज योर नेम, बट इफ यू चेंज इट्स प्रेफरेबल पीपल विल नो दैट यू आर अ मुस्लिम. सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट इस्लाम नाउ? Yes, sir. अभी तक तो इस नौजवान के तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दे चुके थे. तो उन्होंने अब प्रेम से सवाल किया कि भाई मुझे बताओ कि क्या अब तुम मुसलमान होना चाहते हो? इस पर प्रेम ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जवाब दिया कि हाँ मैं मुसलमान होना चाहता हूँ. डू यू बिलीव देयर इज वन गॉड? यस. डू यू बिलीव दैट आइडल वर्शिप इज प्रोहिबिटेड? यस सर. यस. डू यू बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर? यस सर. Is anyone forcing you to accept Islam? No, sir, no, definitely. डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रेम से पूछा कि क्या कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है कि तुम इस्लाम कबूल करो? क्या कोई पैसे का लालच दे रहा है? क्या कोई किसी भी तरह का दबाव डाल रहा है कि इस्लाम कबूल करो? तमाम सवालों पर प्रेम ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्लाम में कोई जबर नहीं है, कोई भी किसी को इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव में नहीं ला सकता. हर किसी के लिए लाजिम है कि वो अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करे. यही वजह है कि मैंने ये सवालात पूछे हैं. डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या तुम एक खुदा पर यकीन रखते हो? प्रेम ने जवाब दिया बिल्कुल मैं यकीन रखता हूँ. पूछा कि क्या यकीन करते हो कि बुत परस्ती हराम है? प्रेम ने जवाब दिया बिल्कुल हराम है. पूछा कि क्या तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने पर यकीन रखते हो? प्रेम ने जवाब दिया हाँ मेरा ईमान है. जिस पर डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह कहा और कहा कि मैं अरबी में कलमा शहादत पढ़ाता हूँ, तुम उसको मेरे पीछे पीछे दोहराओ जिसके बाद मुसलमान बन जाओगे. प्रेम के इकरार पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कलमा पढ़ाया और बाज़ाब्ता तौर पर दायरा इस्लाम में दाखिल कराया. नाज़रीन आप भी ये दिल फरेब मनाज़िर देखिए. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad peace be upon him is the servant and messenger of Allah. MashaAllah, you're a Muslim brother. Thanks a lot. डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रेम को कलमा पढ़ाने के बाद वो काम किया जो शायद देखने वालों के लिए एक बहुत ही अनोखा मंजर था. उन्होंने प्रेम को स्टेज पर आने की दावत दी और कहा कि मेहरबानी करके स्टेज पर आ जाओ और मुझसे कुरान पाक की कॉपी ले लो ताकि इस पर अमल करके तुम एक सच्चे और बामल मुसलमान बन जाओ. प्रेम मिश्रा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था. स्टेज पर आया तो डॉक्टर साहब ने उसको गले से लगाया और मुसाफा किया और दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी काविश को कबूल करे और तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाए. नाज़रीन पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था और हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं बुलंद हो रही थी. नाज़रीन आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा. अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. ब्रदर कैन यू कम ऑन द स्टेज प्लीज? आई वुड लाइक टू गिव यू अ ट्रांसलेशन ऑफ द कॉपी ऑफ द कुरान सो दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. MashaAllah.